आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एविल एनिग्मा में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्म होल क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्म होल को समझने से पहले हम बताएंगे कि स्पेस टाइम क्या होता है। पहले माना जाता था कि यूनिवर्स के स्पेस में सारे स्टार्स और प्लैनेट्स होते हैं और उनके मास के कारण ग्रेविटी की फोर्स होती है, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी कहती है कि हर मास यूनिवर्स में स्पेस और टाइम को बेंड कर देता है। जितना हैवी मास होगा उतना ही स्पेस टाइम बेंड होगा। उसी स्पेस टाइम मुड़ने के कारण ग्रेविटी क्रिएट होती है। ऐसे ही ब्लैक होल में इतना मास होता है कि वो स्पेस टाइम को इतना बेंड कर देता है कि लाइट जो उस स्पेस में ट्रैवल कर रही होती है उसको तक अपने अंदर खींच लेता है। वर्म होल की थ्योरी भी इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। 1935 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने ब्रिजेस की बात की थी जो स्पेस टाइम को दो अलग अलग पॉइंट्स पर कनेक्ट कर सकते हैं, और ये ब्रिज स्पेस में एक शॉर्टकट रास्ता बना देता है। इन शॉर्टकट रास्तों को आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस और वर्म होल्स का नाम दिया गया। वर्म होल को समझने का सिंपल तरीका इंटरस्टेलर मूवी में बताया है, वो है कि अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो स्ट्रेट लाइन सबसे छोटा रास्ता है, लेकिन वर्म होल इस स्पेस टाइम को मोड़ देता है जिससे वो रास्ता छोटा हो गया और ट्रैवलिंग में काफ़ी टाइम बचा। ये है बेसिकली वर्म होल का काम। लेकिन आज तक वर्म होल की डिस्कवरी नहीं हो पाई, पर इक्वेशंस के अकॉर्डिंग इसका होना पॉसिबल है। अगर वर्म होल मिल भी गया तब भी उसके ज़रिए ट्रैवलिंग नहीं हो सकती। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो ब्रिज ऐसा होगा कि उसको क्रॉस करने में अनंत समय लग जाएगा। उधर ना जाने स्पेस टाइम कैसा बेंड होगा, लेकिन जैसा भी होगा मानव जाति के लिए मौत से कम नहीं। ये भी माना जाता है कि वर्म होल इतने अनस्टेबल होंगे कि ब्रिज कभी भी टूट जाएगा और ब्रिज को बरकरार रखने के लिए एग्जॉटिक मैटर की ज़रूरत होगी। जैसे इस ब्रह्मांड में हर चीज़ का कोई मास है, लाइट का भी, एग्जॉटिक तत्व कुछ ऐसा होगा जिसका नेगेटिव में मास होगा। जैसे हर मास वाली वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, एग्जॉटिक तत्व एक दूसरे को दूर करेगा, और ये एग्जॉटिक तत्व वर्म होल को स्थिर रखेगा जिससे ब्रिज नहीं टूटेगा। लेकिन एग्जॉटिक मैटर की खोज भी अभी तक नहीं हो पाई, पर विज्ञान के अनुसार यह सब असंभव नहीं। इस ब्रह्मांड को समझने के लिए सिर्फ एक ही वाक्य काफ़ी है, जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। लेकिन ये बात पक्की है कि आपको नीचे सब्सक्राइब बटन ज़रूर दिख रहा होगा, उसे दबाएं और आगे भी ऐसी मिस्टीरियस वीडियोस का मजा लें।